आपको आज जो तकलीफ दिया कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन हम पार्टी में बैठकर एक एनालिसिस कर रहे थे तो हमने देखा कि अभी तक 10 एमपी गए हैं 96 को छोड़कर 75 के बाद लोकसभा नॉर्थ कश्मीर से, 10 में से 9 एनसी के गए हैं। तो हम देख रहे थे कि ऐसी क्या बात है। एक बेग साहब गए हैं 2014 में, हमने देखा कि वन ऑफ द मेन रीजंस दैट एनसी इज एबल टू रीच देयर इज बिकॉज ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ वोट्स। इनका जो वोट शेयर है फ्रॉम अ हाई ऑफ 60-65% जब ये हमारे साथ लड़ता तब हम दूसरे नंबर पर आते थे, 82 की बात है जब मेरे फादर थे पॉलिटिक्स में, तो 29%, बट दे स्टिल विन। आई विल गिव यू एन इंडिकेशन, इन 2019 455,000 वोट पड़ा है, 133,000 यानी कि 29% एनसी ने लिया, 322,000 वोट इनके खिलाफ पड़ा है विच इज 71%, येट दे वेंट देयर। फॉर एवरी वन वोट पोल्ड फॉर देम 2.5 वोट्स वर पोल्ड अगेंस्ट देम, येट बाय बट दैट्स व्हाट इलेक्शन इज। सो द रीजन आई केम हेयर इज दैट आई हैव हैड सम कन्फैबुलेशंस इज दैट आई एम कमिंग हेयर to appeal to my very dear friend Mr. Altaf Bukhari that let us stop the division of votes in North Kashmir. I am through this press conference appealing to his good self that maybe it's time that they support us in North Kashmir. And as I have said earlier on ki hum unconditionally support karenge baki jagahon par bilkhusus Srinagar mein wo party jo hame lage ki challenge de sakti hai aur wahan hame lagta hai कि वो चैलेंज दे सकते हैं, लेकिन वो दैट्स वन पार्ट ऑफ इट दैट वी इंटेंड टू सपोर्ट देम इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिसीजन दे टेक हियर, बट वी वुड मेक दिस अपील टू देम कि डिवीजन ऑफ वोट्स ना करें, लेट एंटी एनसी वोट्स टुगेदर वो इकट्ठे आ जाएं, और जो मैंडेट ऑफ पीपल है विच इज़ टू सेंड अ रिप्लेसमेंट वो ड्रीम जो है पूरा हो जाए। सो दैट वॉज द होल आइडिया। सो इसके रिलेटेड अगर आपको कोई पूछना है, because I want the press conference today, at least I'm holding one more after some time, but aaj ki press conference is basically meant to appeal. Seek support, appeal to Mr. Altaf Bukhari ki wo jo apni party hai wo hame North Kashmir mein candidate na uthaye, wahan fragmentation of vote na. So what's the only agenda of this press conference, to appeal to apni party? As I see it, Nehran, so kya hona chahiye? Statement from this Engineer Rashid party that he will also be contesting. Filhal, hamari our confabulations have taken place with some leaders of apni party, and we thought that we'll keep that now transparent. That's why we are doing it. Agar hamara confabulation kisi aur se bhi ho, to we will. So you are open. I am open to anybody, but as on date, I want to restrict this to. अपनी पार्टी, बिकॉज उनके साथ हमारा कंफेबुलेशन हुआ है। मैंने आपको बोला ना, अभी हम अपनी पार्टी के साथ हमारा कंफेबुलेशन का हो गया है, सो हम उन्हीं को जो है। सर, विल यू बी सपोर्टिंग अपनी पार्टी इन श्रीनगर देन फॉर एंटी एनसी वोट? 100% यस, वी हैव ऑलरेडी कन्वेड टू देम दैट वी वुड बी, बिकॉज मे और मे नॉट, वेदर वो करे ना करे, हमने पहले ही बोला था, अगर आप पहले हमने बताया था कि जब हमें लगेगा तो इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट जो है हम। सर, इन कमिंग डेज देन विल यू एबल टू सी सजाद लोन एंड अल्ताफ बुखारी सिटिंग डाउन एंड ट्राइंग टू फॉर्मुलेट दिस एंटायर वोट कॉम्बिनेशन? ये वंस दे सपोर्ट अस देन वो तो ग्राउंड पर बाकी लीडर्स ने करना है, यू नो, वो तो फिर ऑफ कोर्स व्हेन दे सपोर्ट उनके लोग तो देयर लीडर्स विल कम एंड सपोर्ट अस, इफ दैट्स व्हाट यू मीन। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अब उन्हें इतनी बार बोला है अब लॉस इज रेलेवेंस, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर बीजेपी एक फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज स्टिग्मा then that they cannot, they are not untouched by that stigma. If anything, Umar Abdullah Saab has been the pioneering person in that stigma, and at a very high level.
So there is one was the chief minister. So foreign minister, फिर chief minister. मैं पशुपालन मंत्री मैं चल एक बित पात पालन चक नुपाई ये लगा. So it is that hardly that does not matter. देखो और एक चीज आपको मैं बता दूं that when you also shoot off questions at us. Now 71% votes against NC. Are you telling me they are all stooges of BJP? They are all bought by BJP? Is BJP so strong in Kashmir that indirectly they have 71% votes? So when Mr. Umar Abdullah attacks us, he has to know that we represent people. He is attacking them, not us. So let him stop humiliating the people of Kashmir and let him come and attack us on issues. Because whatever he does, maybe he is doing it unintentionally, but they end up humiliating the people of Kashmir. Stooges, sellout, traitors. They're talking about people. 71%. ये 2019 का है. और बीजेपी कौन सी बड़ी तोप है यहाँ. They've got 1.2% vote in North Kashmir and 0.2% votes in Srinagar. Statistically, the votes they got is insignificant because we lost by 6%. So in the North Kashmir game, statistically, to be significant, you need at least 6% votes. Only then you can make a difference. But in statistics, I hope he understands. So, magar ye jo hai, or he can seek help. But statistics is simple statistics. That bar bar, you know, you're actually you know, putting it in people's minds. Ki kya tha inchu zehra. तुम चुकुमता दैट देयर वो कोई तोपे हैं तोपे ऐसी कोई नहीं. यू हैव टू एटलीस्ट स्कोर इन इलेक्शंस इन द प्रीवियस इलेक्शंस टू बी मैं किसी को मैं देयर वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टीज इन इंडिया बट इन कश्मीर वैली दे स्टिल इलेक्टोरली आर नॉट सिग्निफिकेंट एज पर द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द लास्ट इलेक्शन. सिद्धार्थ साहब आपने कल भी कहा कि हिंदुस्तान के वजीर आजम का आदमी यार. आई विल टेल यू समथिंग. अगर अल्ताफ साहब ने कोई बात बोली है तो आप उनसे पूछिएगा. मैं सपोर्ट किसी से भी मांग रहा हूँ. उसमें क्या है, इज अ कश्मीरी आई हैव एवरी राइट टू सपोर्ट. वो किसका आदमी है, किसका दलित काम विद अ बेटर क्वेश्चन. दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट ऑफ यू. यू आर अ सीनियर जर्नलिस्ट.